हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए क्या है सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन। बेसिकली क्या होता है कि आपका वॉशिंग मशीन आप कोई भी ब्रांड का यूज़ करते हैं, सैमसंग वाले में इस टाइप के जो रोलर्स लगे रहते हैं डैमेज होने के बाद काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी महंगे आपके चेंज होते हैं। आज हम दिखाएंगे इसको आप घर में इजिली आप कैसे रिमूव कर सकते हैं और किस तरह से इसका प्राइस आपका आता है और कितना सेटलमेंट आता है। नॉर्मली आपका स्क्रू ड्राइवर लेकर आपका बीच की कैप आपको इस तरह से हटा लेनी है। उसके बाद आपको एक ज़रूरत पड़ेगी 10 नंबर के टूल की, 10 नंबर का टी जिसे हम बोलते हैं, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। ये मैंने 10 नंबर के टी ले लिए। इसमें आपका बहुत ही इजी होता है, इसको पकड़ के आपका मिडिल में फिट करके और आपका एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमा लेना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगा के मैंने घुमा लिया, उसके बाद आराम से खुल जाता है। इसको निकालने के बाद इसको जो नट है वो आपका बाहर निकाल लेना। ये देखिए मैं निकाल लेता। बेसिकली क्या होता है कि मशीन में जब ये टूट जाता है तो पूरा मशीन का फंक्शन जो है बंद हो जाता है, कपड़े फंसने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप मार्केट से लोगे तो जैसे कंपनी से अगर आप मंगाते हैं तो काफ़ी कॉस्ट करता है, अराउंड आपका 2500 रुपये का अराउंड आपका कॉस्ट करता है। इसको आप खुद भी निकाल के मार्केट से ले सकते हैं। इसका नट आएगा, इसको इस तरह से निकाल लो। बैक साइड का ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जो ब्लू वाला जो है जिसको हम पल्सेटर बोलते हैं, इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत आती है। अगर आप डायरेक्ट इसको ऊपर को खींचेंगे तो निकलता नहीं। देखो मैं खींच के दिखाता हूँ, देखो अगर आप इस तरह से खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। देखो चाहे आप लेफ्ट राइट कितना भी मूव करो नहीं निकलता, क्योंकि सेम टाइम पे बीच सेंटर से आपको निकालना पड़ता है तभी निकलेगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इसके बीच में आप कोई भी रस्सा या फिर कोई भी पतली सी चीज़ ऐसे फंसा लीजिए। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ आपके जूते के फीते जो होते हैं, जो लैस होता है उसके थ्रू निकालने के लिए। ये देखिए एक साइड से इस तरह से लगा के ये आपका सेंटर में यूज़ करना पड़ता है 180 डिग्रीज पे। ये आपका देखो घुमा के इस तरह कर दिया और सेम आपका उस साइड के भी आपका घुमा के सेंटर में आपका मिडिल में रख के यूज़ कर लेते हैं। देखिए उससे क्या होता है कि जैसे आप पकड़ के ऊपर की ओर खींचेंगे तो एक साथ निकल जाएगा। देखिए कितने आराम से निकल गया ये। फिर मैंने इसको निकाल दिया है। देखिए इसमें अगर आप कंपनी से लेते हैं 2500 रुपये का ब्लू वाला पार्ट और ये इसके जो रोलर होते हैं वो साथ में रहेगा। इसमें दो कंडीशन होती है, अगर आप मार्केट से लेते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके रोलर अलग मिल जाते हैं, पैनल अलग मिल जाएगा। नीचे का पार्ट आप ये देख सकते हैं, इसका रोलर टूट के नीचे गिर गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ड्रम रोलर, ये टूट के नीचे आपका गिर गया है। तो ये आपका जब ख़राब हो जाता है, मशीन चलती नहीं है, मोटर पर लोड पड़ जाता है, कपड़े फंस जाते हैं, मैंने निकाल दिया इस तरह से। अगर आप ये पार्ट लेते हैं सर्विस सेंटर से तो 2500-3000 रुपये के आसपास का कुछ कॉस्ट करता है और विजिट चार्ज अलग होती है। सैमसंग की मशीन में आपका प्रॉब्लम रहती है। इसमें सबसे बढ़िया होता है कि आपका रोलर अगर आपका ख़राब है और बाकी आपका सारे कुछ सही है तो आपका सिर्फ रोलर आप चेंज कर सकते हैं। रोलर चेंज करने के लिए आपका स्क्रू जो देख रहे हैं नीचे, आप बैक साइड में दो स्क्रू इसको खोल के इसकी कैप निकाल लेना। उसके बाद आप रोलर आप मार्केट से बाय करके इसमें लगा सकते हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद दूसरे दिन मैं आपका रोलर जो है मैं लेके आया था मार्केट से। ये देखिए सैमसंग के रोलर लेके आया था, ये जो डैमेज है ये वह है। और आपका जो है जो नए मैं रोलर लेके आया था वो भी दिखाता हूँ। ये आपको मार्केट में आराम से 100-200 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे, 50-100 रुपये के आपको एक रोलर मिल जाएगा। एक आप मेरे जानकार थे तो मेरे को काफ़ी अच्छे प्राइस में उन्होंने दे दिया था। मैक्सिमम इन रोलर की कॉस्ट 100-200 रुपये की आती है, तो आप बहुत ही कम प्राइस में काफ़ी चीप प्राइस में कर सकते हैं इसको सही। ये देखिए रोलर आप देख रहे हैं, ये आपका इस तरह से रोलर होता है, इसको लगा के आप मशीन आप पूरी ओके कर सकते हैं। इसके बाद लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। ये आपका छोटा वाला जो हिस्सा है ये आपको बैक साइड में लगाना है अंदर की ओर को, और जो लंबा वाला हिस्सा है वो बाहर की ओर को निकालना है। देखो दिखाता हूँ, ये देखो ये छोटा वाला हिस्सा है ये आपका अंदर की ओर जाएगा और दूसरा वाला हिस्सा जो है वो बाहर की ओर आएगा। नट से आपको नॉर्मली इजीली निकालना है, आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आपको फिट कर लेना, ये नीचे की ओर दब जाएगा। उसके बाद जो व्हाइट वाली कैप है इसके ऊपर लगा के आपको दो स्क्रू कस के यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत ही ईजी होता है और मार्केट में आपको आराम से मिल भी जाता है। इसको सैमसंग का रूलर बोलते हैं। फोटो क्लिक करके आप नॉर्मल आप जो मशीन के रिपेयर वाली शॉप होती है वहाँ से आप दिखा के इसको ले सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस में होता है, नॉर्मली सर्विस सेंटर वाला बहुत ज़्यादा पैसा ले लेता है इस चीज़ का, और यहाँ आपको पैसा भी बचेगा, आपका मैक्सिमम 200 रुपये में काम हो जाएगा। ये देखिए खाली आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, बस मार्केट में आके ढूंढना है कि कहाँ पर को मिलते हैं इसके पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो गुड़गांव में आपको मिल जाएगा आराम से, दिल्ली में आपको हर जगह मिल जाता है मोस्टली मशीन की दुकान में। ये आपको मैंने देखिए इस तरह से लगा के आप इसको कस देना है, उसके बाद आपको मशीन देखिए ओके हो जाएगा। इसको घुमा के देख लेना कि रोलर आपका मूव हो रहा नहीं हो रहा जब आप यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से आपका मूव करके रोलर मूव हो रहे हैं आराम से, काफ़ी अच्छा फ्रीली मूव हो रहे हैं। लगाते समय आपको बहुत ईजी होता है। मैंने इससे पहले जो ड्रम है नीचे साइड को साफ़ कर लिया था, जो ब्रश होता है ब्रश से मैंने साफ़ कर लिया था तो काफ़ी क्लीन हो गया। इसको लगाते समय आपको जो ये लगाना है देखिए काफ़ी ईजी होता है। ये लगा के आपको सेंटर में लगा के बस नीचे की ओर को प्रेस कर देना होता है। मैं दिखाता हूँ, देखो दोनों हाथ से लगा के इसको इस तरह से प्रेस कर दे, ये लग गया आपका मोटर से कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपका सेम एक 10 नंबर का जो है इसका जो बोल्ट होता है उसको लगा के कस देना है 10 नंबर के पाने से। बाकी आप आराम से इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। फिर ये आपका मैंने 10 नंबर का टी ले लिया, उससे आपको कस देना है। उसके बाद इसके ऊपर की जो कैप होती है उसको निकालने के बाद आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए
ये आपका मैंने कस दिया करके, ये क्लॉक वाइज आपको कसना है तो क्लॉक वाइज, खोलना है तो आपका एंटी क्लॉक वाइज। देखिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और ये आपका लग गया। अब बची इसकी टॉप एंड से आपका कैप, ये आपकी कैप होती है कुछ, ताकि स्क्रूज में आपका डायरेक्ट कपड़े वपड़े ना फंसे। तो ये आपका लगाना है, दो लॉक जैसे दिख रहे हैं जो आपका इस तरह से लगा के, बस आपको दोनों साइड से दबा के नीचे गुरु को प्रेस करके लगा देना और बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसको लगा के दोनों हाथ से दबा के इसको आप नीचे की ओर का दबा देना, बस उसके बाद मशीन आपकी ओके होगी। देखिए उसके बाद आपका मशीन जो है पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। बाकी आपको वीडियो पसंद आए, भाई के चैनल को लाइक करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।